अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपको एक टोयोटा वीगो दिखाई जाएगी जो कि इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है और ये 2016 का मॉडल है। सबसे जो मज़े की बात है, सैगल मोटर्स रावलपिंडी के एसेसरीज वाले स्टोर के ऊपर आपको टोयोटा वीगो के लिए कंप्लीट एसेसरीज की रेंज मिलेगी, जिसमें सीट कवर्स, कस्टम मेड सीट कवर्स मिलेंगे आपको। उसके अलावा इस गाड़ी की फ्लोर मैटिंग अवेलेबल है, इसके लिए आपको डिफरेंट तरह के फ्लोर मैट्स मिल जाएंगे, जिसमें 5D फ्लोर मैट्स शामिल हैं, 9D शामिल हैं, 7D शामिल हैं। इसके अलावा रबर मैट्स भी अवेलेबल हैं, कारपेट मैट्स भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हेडलाइट्स की और बैक लाइट्स की कंप्लीट रेंज मिल जाएगी, फ्रंट बुल बार मिल जाएगा, उसके अलावा फोल्डेबल बैक सीट्स मिल जाएंगी, उसके अलावा हैमर रोल बार मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको TRD बॉडी किट टोयोटा वीगो के लिए मिल जाएगी और फुट स्टेप्स की रेंज कंप्लीट अवेलेबल है। उसके अलावा क्रोम किट की रेंज आपको यहां पर मिल सकती है और साथ ही फ्रंट ग्रिल की रेंज मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास टोयोटा वीगो 2005 मॉडल से लेकर 7 तक है तो उसको आप 2021 टोयोटा रेवो के अंदर भी कन्वर्ट करा सकते हैं और ये कंप्लीट कन्वर्जन यहां साइकिल मोटर्स रावलपिंडी पर की जाती है। इन तमाम एसेसरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप सैगल मोटर की वेबसाइट www.sagalmotorsports.pk पर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और सबसे अच्छी बात यह कि ये तमाम एक्सेसरीज आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे जो मजे की बात है इस गाड़ी की, वो है इस गाड़ी का अगर आप फेस देखें तो कम्प्लीटली फेस अपलिफ्टेड तो नहीं कह सकते, इसकी जो ग्रिल है उसको चेंज किया हुआ है, इसकी लाइट्स को चेंज किया हुआ है और इसके ऊपर बॉडी किट वगैरह लगी हुई है। तो ये बड़ी खूबसूरत किस्म की डिज़ाइनिंग इसकी फ्रंट पर नज़र आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रिल खास तौर पर बहुत प्यारी है और फिर ग्रिल के साथ साथ इसकी जो हेडलैम्प्स हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हेडलाइट्स हैं। लुक वगैरह आप इसकी फ्रंट साइड से देख सकते हैं और ये है जी इस गाड़ी की साइड लुक। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि यह गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है, 2016 का मॉडल है। और अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है इस वीडियो को देखने के बाद और आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर आप विज़िट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि आपकी आसानी के लिए सैगल मोटर्स की वेबसाइट भी अवेलेबल है, www.sagalmotorsports.pk पर आप विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर गाड़ी की प्राइसेस का पता चल जाएगा और अवेलेबिलिटी का भी पता चल जाएगा। इसके साथ साथ सैगल मोटर की वेबसाइट पर आपको तमाम एसेसरीज़ भी मिलेंगी जो कि आप कैश ऑन डिलीवरी पर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं हर गाड़ी के लिए। तो इस गाड़ी की तरफ अगर आएँ तो जैसा कि आपको बताया है इसके हेडलैम्प्स जो हैं मॉडिफाइड लगे हुए हैं, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिलेंगी इंतहाई खूबसूरत। तो चलिए जी हम इसके लाइट्स को ऑन करते हैं और ऑन होने के बाद इसकी लाइट्स की आपको लुक दिखाते हैं। सबसे पहले तो जब आप इसकी लो बीम ऑन करेंगे, डिम लाइट ऑन करेंगे, तो इसके ये जो सर्कल्स हैं एंजलाइज लाइट जिनको आप कह सकते हैं वो ऑन हो जाएंगे और कुछ इस तरह से इसकी जब डिम लाइट आप ऑन करेंगे तो ये आपको लुक प्रोवाइड करेगी। जब आप इसकी लो बीम ऑन करेंगे तो लो बीम के लिए आपको एक प्रोजेक्टर लाइट मिलती है और कुछ इस तरह से इसकी लो बीम ऑन होती है, बड़ी ही खूबसूरत। और जब आप इसकी हाई बीम ऑन करेंगे तो हाई बीम के लिए आपको ये इनसाइड वाले जो लैंप्स हैं ये दिए गए हैं तो ये ऑन हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू प्रोवाइड करती हैं। और जब आप इसके इंडिकेटर ऑन करेंगे तो जो इसके इंडिकेशन है वो आपको यहाँ इसकी साइड्स पर मिलेगी कुछ इस तरीके से। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये हेडलाइट्स आपको कैसी लगी। अगर आपके पास टोयोटा वीगो है जिसकी सेम यही वाली हेडलाइट्स आप लगवाना चाहते हैं तो ये लाइट्स भी सैगल मोटर्स के एसेसरी वाले स्टोर पर अवेलेबल हैं, उसके लिए आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। ग्रिल की तरफ अगर आएँ तो ये इसकी स्टॉक ग्रिल नहीं है, यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू आपको इसकी ग्रिल में मिलेगा, ब्लैक और ये क्रोम का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रंट साइड से देखने में। ये इसमें आफ्टर मार्केट ग्रिल लगाई गई है। और आप अगर नीचे आएँ तो इसका फ्रंट बम्पर जो है ये इसकी बॉडी किट के साथ आता है, फ्रंट बम्पर जो है ये इसका ओरिजिनल है, जस्ट इसके ऊपर बॉडी किट लगी हुई है जिसके ऊपर फॉग लैंप्स वगैरह आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस गाड़ी की फ्रंट लुक ये मॉडिफाई करने के बाद आपको कैसी लगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 55 लाख रुपया और 2016 का ये मॉडल है। गाड़ी की कंडीशन आपके सामने है, ये गाड़ी कम्प्लीटली शॉवर है लेकिन जस्ट फ्रेश लुक के लिए इस गाड़ी को शॉवर किया गया है। और व्हील्स शील्स आप इस गाड़ी के देख सकते हैं, रिम्स बहुत शानदार कंडीशन में है, ब्रांड न्यू कह सकते हैं आप इसको क्योंकि रिम्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पर ये बड़ा ही कूल इफेक्ट इसकी लाइट्स का आपको नज़र आएगा इसके फ्लोर वगैरह के ऊपर जो कि बहुत प्यारा लगता है। उसके अलावा ये डोर मोल्डिंग्स वगैरह इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड है, फेंडर फ्लेयर वगैरह ये इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर आपको हाइलेक्स D4D की बैजिंग मिल जाएगी, साइड मिरर इसका क्रोम में है और इसके ऊपर भी आपको LED टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिया जाता है। तो आएँ बैक साइड पर आते हैं और आपको इस गाड़ी की रियर लुक दिखाता हूँ मैं। एक और बात भी है कि इस गाड़ी की अगर बैक साइड पर भी देखें तो काफ़ी सारी एसेसरीज़ इंस्टॉल्ड हैं, तो अगर हम
मॉडिफिकेशन और अपलिफ्टिंग की बात करें तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की एक्सेसरीज तो इस पर वैसे ही लगी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर रोल बार लगा हुआ है कंप्लीट मेटल का। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसमें यूटिलिटी बॉक्स भी इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा रियर सीट्स हैं 4 अदद ये लगी हुई हैं, तो इस तरह की कम्प्लीट छोटी मोटी एक्सेसरीज इस गाड़ी के ऊपर आपको मिल जाएंगी। तो ये है जी इस गाड़ी की रियर लाइट्स। बैक साइड से तकरीबन ये गाड़ी स्टॉक कंडीशन में ही है। 25th एनिवर्सरी है ये और टोयोटा का बैज यहाँ पर है। हाइलक्स वीगो चैम्प है ये और 2016 का मॉडल है। तो ये है जी इस गाड़ी की रियर लुक। अब चलें ज़रा गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। और एक और बात कि इस पर रूफ रैक भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, ये जो आप देख सकते हैं इस वक्त। तो चलें गाड़ी के अंदर चलते हैं। ओके जी, तो मैं इस वक्त इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और चलें सबसे पहले तो हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप इस गाड़ी का देख सकते हैं। ये गाड़ी चली भी 1,56,810 किलोमीटर्स ओरिजिनल माइलेज के साथ। तो हम जल्दी से इसे करते हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग गाड़ी की इंतहाई स्मूद है, मतलब इंजन की अगर मैं बात करूँ और मैकेनिकल्स की बात करूँ तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। जैसा कि स्टार्टिंग आपने देखी है कि बिल्कुल हाफ सेल्फ पर यह गाड़ी स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा इंटीरियर बहुत अच्छी कंडीशन में है, मतलब अगर आप इंटीरियर के एक एक चीज़ देखें, पैनल्स इंटीरियर के तमाम तर मौजूद हैं। इंटीरियर गाड़ी का ओवरऑल बहुत बहुत शानदार कंडीशन में है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंटीरियर की जहां पर आपको, जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर उसके ऊपर नज़र आए। जैसा कि आप अगर इस पैनल को अगर आप देखें, इसके साथ साथ आप अगर ये इसका कंसोल देखें फ्रंट वाला, तो हर एक चीज़ बेहतरीन और परफेक्ट कंडीशन में है। और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरियंट है। यहाँ पर 4-व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट है। इसके साथ सामने आपको इसमें डीफोगर का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस गाड़ी का जो एसी है ये परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। कूलिंग बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की है एसी की, तो ये चीज़ें आपको इसमें छोटी मोटी बाद में कोई ख़र्चे नहीं करने पड़ेंगे। इस तरफ भी आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। और मैं आपको एक बार फिर इसकी प्राइस बता देता हूँ। इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 55 लाख रुपया। और ये अवेलेबल है सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें या इससे मुतल्लिक कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो स्क्रीन पर आपको सैगल मोटर्स रावलपिंडी के फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, या आप सैगल मोटर्स की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं जो कि है www.sagalmotorsports.pk।